हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, बहुत बड़े अपडेट्स हैं न्यू मेरिट लिस्ट के बारे में। जी दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि जो फ्रेश बैच है 2020-21 का, उसका अभी तक जो सेकंड लिस्ट आना है बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे हो। तो आज उस लिस्ट के बारे में एक अपडेट्स है, मैं आपको बता देती हूँ क्या अपडेट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका आईडी अभी रिवेलिडेशन में, स्टेट के अंदर रिवेलिडेशन में है, उनका आईडी इसी महीने वेरीफाइड होगा, जैसे कि मैं पहले वाले वीडियो में बोला था। और जिनका आईडी फाइनल वेरीफाइड है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा है जिनका पहले सेलेक्ट भी नहीं हुआ था और रिवेलिडेशन में नहीं आया, उनका जो कि अभी एप्लीकेशन स्टेट है जो कि फाइनल वेरीफाइड दिखा रहे, तो उनका भी लिस्ट में नाम आएगा। और जिनका पहले ही जो कि मेरिट लिस्ट में नाम आया था, उनका भी आएगा। सब मिला के एक ही लिस्ट पब्लिश होगा। जी हाँ दोस्तों, और वो लिस्ट जल्दी ही आएगा, और कब आएगा इस वीडियो में आप उसी बारे में बात करेंगे। और कितना कटअप होगा, कितना लॉस्ट परसेंटेज होगा, कितना अप टू कितना परसेंटेज तक, मतलब कि जो लिस्ट में नाम आने का चांसेस है, उस बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पहले वाला जो लिस्ट था वो बहुत हाई था परसेंटेज, जो कि कटअप बहुत हाई था, 84% था लॉस्ट। तो इस वाला लिस्ट में थोड़ा डाउन होगा। जी हाँ दोस्तों, 80 के डाउन भी मिल जाएगा, जो कि क्योंकि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स फेक स्टूडेंट्स लिस्ट में इंक्लूड हुए थे, तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली 50% जो कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स था, 50% निकाल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और 50% रहेगा, क्योंकि वो जो कि जेन्युइन स्टूडेंट्स भी बहुत था वो पहले वाला लिस्ट में। तो अब सेकेंड लिस्ट में जो 50%, मतलब कि जो फेक स्टूडेंट्स था, वो निकाल दिया जाएगा उनको। और जो वो 50% जो कि होगा, वो उन 50% में आप लोगों का नाम आ सकते हैं, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए जो कि पहले वाला लिस्ट में परसेंटेज कटअप जो कि बहुत हाई था, तो इस बार जो भी लिस्ट पब्लिश होने जा रहा है वो कटअप जो कि बहुत लो होगा, मतलब 80 के डाउन भी होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका परसेंटेज 70+ है या 60+ है, तब भी आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपका जो रिवेलिडेशन इशू है वो भी इसी महीने सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये UGC की तरफ से क्लैरिफाई कर दिया, जैसा कि मैं पहले वाला वीडियो में बोला था, और भी बहुत कुछ बोला पहले वाला वीडियो में। आप अगर वीडियो नहीं देखे तो एक बार वो वाला वीडियो भी देख लेना, मैं ऊपर आई बटन में ये वीडियो का लिंक दे दूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये लिस्ट कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यार जैसे कि UGC की तरफ से बोल दिया, साफ साफ बोल दिया कि इसी महीने आपका जो रिवेलिडेशन है, वेरिफिकेशन जो कि इशू है, इसी महीने जो कि कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आप लोगों का आईडी जो कि इसी महीने वेरीफाइड होगा, जो कि UGC की तरफ से बोल रहा है, क्लैरिफाई कर दिया कि कोशिश करते इसी महीने वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपका बता दो, ये जो लिस्ट आएगा ये कोई न्यू लिस्ट नहीं आएगा, मतलब न्यू मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, आएगा तो वही लिस्ट जो कि दोबारा अपलोड करेगा, लेकिन वहाँ से स्टूडेंट्स कुछ निकाल दिया जाएगा और क्यों कुछ न्यू स्टूडेंट्स को ऐड किया जाएगा, जिसको रिवाइज लिस्ट कहते हैं। तो रिवाइज लिस्ट आएगा, और इसी महीने के लास्ट में या तो अक्टूबर 1 वीक भी लिस्ट आने का बहुत हाई चांस है, अक्टूबर 1 वीक में। लेकिन इसमें क्योंकि इस महीने जो सेप्टेम्बर में लास्ट तक जो कि बोल रहा था, वेरीफिकेशन का जो काम कंप्लीट हो जाएगा, और जो कि लिस्ट अक्टूबर में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अक्टूबर में 1 वीक लिस्ट आया तो विदिन 2 वीक या 3 वीक में आप लोगों का पेमेंट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसके पहले जो कि रिन्यूअल बहुत सारे पेमेंट थे, उस पेमेंट को जो कि सितंबर में रिलीज होने का चांसेस है, और UGC की तरफ से भी बोल दिया है साफ साफ कि सितंबर लास्ट तक रिन्यूअल का पेमेंट हो जाएगा। तो रिन्यूअल का पेमेंट होने के बाद सितंबर लास्ट वीक में जो कि न्यू लिस्ट आएगा, लिस्ट आने के बाद तो एक हफ्ता या 2 हफ्ता बाद ही आप लोगों का पैसा जो कि FMS में शो हो जाएगा, और उसके बाद ही आपका पैसा आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगे तो लाइक, अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे बहुत इम्पोर्टेंस अपडेट आने वाला है।
तो इस महीने की जो कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा मैं आपको इस चैनल के थ्रू आपको बता दूंगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज मेरिट लिस्ट इस महीने लास्ट में आएगा, तो जो भी इंस्टेंट मतलब तुरंत जो कि मैं आपको अपडेट दे दूंगा इस चैनल के थ्रू। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी अपडेट होगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों।